खरगोन जिला मुख्यालय पर खरगोन बड़वानी के भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खरगोन नगरपालिका सीमा वृद्धि की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित विभागीय आदेश का 23 फरवरी का उल्लेख किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अभी ध्यान में ऐसा आ रहा है कि जिस प्रकार से स्थानीय चुनाव होते हैं और जिस प्रकार का परिसीमन क्षेत्र को लेकर किया जाता है, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां परिसीमन में ध्यान में आई और ऐसे क्षेत्र जहां पर जनपदों में जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है, उस परिसीमन को तोड़ फोड़ करके वहां से कांग्रेस जीते, इस प्रकार के परिसीमन का प्रस्ताव निर्वाचन में हुआ है, उसको लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन ने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने परिसीमन को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है कि जिस प्रकार से निर्वाचन को लेकर परिसीमन किया गया है वो गलत है, उसमें संशोधन किया जाए, वो संशोधित करके जो वास्तव में परिसीमन होना चाहिए वो परिसीमन न्यायपूर्ण करना चाहिए, उसकी आपत्ति आज लगाई गई है और उस आपत्ति के माध्यम से ही इस परिसीमन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कांग्रेस के एक बड़े नेता ज्योतिराय सिंधिया बीजेपी में आने की कवायदें लगाई जा रही है, कहाँ तक? ये मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं और कुछ न कुछ बातें या सुबहट जरूर होगी, क्योंकि जिस प्रकार के सम्मान कांग्रेस में उनको मिलना चाहिए उतना सम्मान उनको मिल नहीं पा रहा, उनको भी महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है और कुछ भी बात होगी वो सामने आएगी और सभी लोग उसको देखेंगे। ये मोदी जी ने 150 दिन सभी सांसदों को पदयात्रा करने के निर्देश दिए, गाँव में रुकने के निर्देश भी दिए, किस प्रकार का ये अब अभियान है? जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश में काम कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर इस देश में काम किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था स्वच्छता को लेकर, और आप सबको मालूम है कि देश में पुराने 5 साल की माननीय मोदी जी की सरकार ने स्वच्छता को लेकर बहुत काम किया है और वही संदेश हमारे देश के महात्मा गांधी जी का संदेश था और यह वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं पुण्य जयंती का वर्ष रहेगा और उसको लेकर 150 किलोमीटर की पदयात्रा देश की संसद में बैठने वाले सभी सांसदों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर और देश में चल रही हमारे मोदी जी की सरकार के विषय को लेकर हम पदयात्राएं करेंगे और उस पदयात्रा के माध्यम से पूरे देश किस प्रकार से सशक्त हो, विभवशाली हो, गौरवशाली हो, ये सभी संदेशों को लेकर हम गाँव-गाँव चौपाल-चौपाल जाएंगे और गांव और चौपाल में इसका संदेश हम देंगे। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह जानकारी की रीट भी दायर करी है हाईकोर्ट में, सितंबर में जवाब देना है आपको। अभी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पास अगर संज्ञान में आएगा उस पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।